माघ मेला क्षेत्र स्थित प्रयाग पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य श्री वैकुंठ धाम आश्रम के शिविर में बुधवार को श्रृंगवीरपुर पीठाधीश्वर नारायणाचार्य शांडिल्य का पट्टाभिषेक किया गया। इस मौके पर स्वामी श्रीधराचार्य की ओर से शांडिल्य को जगतगुरु रामानुजाचार्य पद पर अलंकृत किया गया। नारायणाचार्य को उत्तरीय ओढ़ाकर श्रीधराचार्य महाराज के साथ काशी सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने जगतगुरु रामानुजाचार्य की उपाधि प्रदान करने के साथ मंगल शासन सनातन धर्म के रक्षा की अपेक्षा की। इसके पूर्व मंगलाचरण पूजन के साथ स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य पट्टाभिषेक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें काशी सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती एवं जगतगुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य ने उत्तरीय ओढ़ाकर नारायणाचार्य शांडिल्य का पट्टाभिषेक किया। इसके बाद विद्याभास्कर महाराज, घनश्यामाचार्य महाराज, खटला मठ के स्वामी रामेश्वराचार्य महाराज, नरसिंह मंदिर के सुदर्शनाचार्य महाराज, सच्चा आश्रम के चंद्रदेव महाराज आदि ने नारायणाचार्य शांडिल्य को शाल ओढ़ाकर आशीर्वचन मंत्रोच्चार के साथ उन्हें जगतगुरु रामानुजाचार्य पद पर सुशोभित किया। साथ ही जगतगुरु नारायणाचार्य शांडिल्य के भक्तों ने माला पहना व शाल ओढ़ाकर उन्हें जगतगुरु होने की बधाई दी। इस अवसर पर जगतगुरु नारायणाचार्य शांडिल्य ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा एवं उसके प्रसार को लेकर यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जो हमें जगतगुरु की उपाधि मिली है रामानुजाचार्य संप्रदाय से, तो सिर्फ इसलिए मिली है कि आज जितना कुठारा घास सनातन संस्कृत में जितना कुठारा घात हो रहा है, उसी पर अपने सनातन संस्कृत को बचाने के लिए, सनातन संस्कृत का प्रचार प्रसार करने के लिए हमको जिम्मेदारी मिली है। और निश्चित ही अब सनातन संस्कृत को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य करेंगे, और भगवत कृपा रही तो आप सब लोग यहीं हैं देखेंगे। कुछ जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं सनातन संस्कृत पर कुठारा घात हमले बढ़े हैं, उसी का बचाव करते हुए सनातन संस्कृत को फिर उसी ऊंचाइयों पर ले जाने का, जैसे रामानुजाचार्य जी ने सनातन संस्कृत को आगे बढ़ाया, उसे हम भी बढ़ाने का काम करेंगे। तत्पश्चात शोभा यात्रा माघ मेला शिविर से निकलकर संगम नोज पहुंची। वहां गंगा पूजन कर जगतगुरु नारायणाचार्य शांडिल्य ने लेटे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहां से शोभा यात्रा भरद्वाज मुनि आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। श्रृंगवीरपुर के रास्ते में कौड़िहार के पास लालता प्रसाद तिवारी स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिवार की ओर से जगतगुरु शांडिल्य का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा श्रृंगवीरपुर आश्रम पहुंचकर आरती के साथ संपन्न हुई। रामानुजाचार्य दिव्याज्ञा को निरंतर बढ़ाते रहे, रामानुजाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। वो रामानुजाचार्य की दिव्याज्ञा सर्वलोक हितैषिणी है, समस्त संसार के हित की कामना करने वाली है, इसीलिए सर्वदेश दिशा काले शुभ्याहत पराक्रमा के रूप में हम उसके प्रचार प्रसार का दायित्व इनके ऊपर भी आज से सौंपते हैं। ओम शांति शांति शांति।